हरे कृष्ण सब्सक्राइब कर मायन आसे वाले की चैनल के एवं बेल आइकन प्रेस को लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाओ जानो हरे कृष्ण। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं लेकिन हम आत्मा है। तो हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वे भावुकता के स्तर पर है, उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। और आत्मा के ज्ञान के बिना आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ भी नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ तभी होता है या तभी होगा जब हम ये समझेंगे कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इसलिए सबसे पहले हम आत्मा के बारे में समझेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं कौन हूं। जब हम किसी व्यक्ति को पूछते हैं भाई साहब आप कौन हैं, तो वो शरीर की पहचान देता है कि मैं रमेश हूं, बॉम्बे में रहता हूं, रेलवे में जॉब करता हूं, मेरे घर में दो बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं इत्यादि। यह शरीर की पहचान है, हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। ऐसे ही पूरा जगत इसी भ्रम में जी रहा है कि वो ये शरीर है, उसको अपनी असली पहचान के बारे में पता ही नहीं। आज के विषय में हम यही समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा हैं, और आत्मा शरीर से एक अलग तत्व है, एक चीज है। आत्मा और शरीर में प्राथमिक अंतर यह है, ये जो शरीर है वो जड़ है जबकि आत्मा चेतन है। शरीर में चेतना नहीं है, आत्मा चेतना से भरपूर है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा स्थिर रहता है। आत्मा बदलता नहीं है, शरीर नाशवान है ये, और आत्मा शाश्वत है। शरीर मृत है और आत्मा सक्रिय है। ये शरीर और आत्मा में बेसिक अंतर है। भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम ये शरीर है जो जड़ तत्वों से बने हैं। हम रसायन के एक थैले के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये भौतिक दृष्टिकोण है। और मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम ये मांस और हड्डी से बने भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। जब ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है तब भी आत्मा मरता नहीं है। आत्मा को देखने का ये दो दृष्टिकोण है। जैसे किसी बच्चे को एक गाड़ी का खिलौना लाकर दे दो तो वो बच्चा चाबी भरेगा और गाड़ी अपने आप चलेगी। उसको देखकर बच्चा सोचेगा कि बाजार में जितनी भी गाड़ियां कांच बंद करके चल रही है वो अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। क्यों बच्चा ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि बच्चा अज्ञानी है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उसको ज्ञान होगा, तब वो समझ पाएगा कि ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, एक छोटा सा खिलौना चल सकता है। ऐसे ही जो लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्ञानी है वे लोग ऐसे ही सोचते हैं ये शरीर है ये ऑटोमेटिक चलता है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मवादी है जिसको शास्त्र का ज्ञान है वे जानते हैं कि शरीर के अंदर एक आत्मा बैठा है जो इस शरीर को क्या करता है, चलाता है। कई बार मैं इस प्राथमिक कोर्स में लोगों से पूछता हूं कि हम ड्राइवर हैं या गाड़ी। ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि हम गाड़ी हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने आप को गाड़ी समझते हैं, हम गाड़ी नहीं है। वास्तव में हम ड्राइवर हैं जो इस शरीर को चला रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मैं यहां बोल रहा हूं। लेकिन अगर मेरे शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर ऐसे गिर जाएगा। ऐसे ही गाड़ी में से ड्राइवर बाहर निकल जाएगा, गाड़ी रोड पर से नीचे उतर जाएगी। ये समझना बहुत सरल है, बहुत सरल है, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी एक इंच भी नहीं चल सकती, उसी तरह आत्मा के बिना ये जो शरीर है वो एक क्षण भी नहीं चल सकता। आज हम इसी विषय के बारे में समझेंगे। पहला है सामान्य समझ अथवा कॉमन सेंस। वैज्ञानिकों ने व्यक्ति के मरने के बाद इस शरीर की कीमत मात्र 110 रुपया निकाली है। लेकिन हम देखते हैं
कि जब कार का एक्सीडेंट होता है तो जो कार में व्यक्ति होता है उनको हम हॉस्पिटल ले जाने के लिए ज्यादा महत्व देते हैं और 25 लाख की कार तो रोड पर ही छोड़ देते हैं, उसको हम महत्व नहीं देते। क्यों क्यों हम 110 रुपए के शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं? क्योंकि उसमें आत्मा है। यह एक सामान्य समझ है। दूसरी सामान्य समझ, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब हम कहते हैं कि रमेश भी की मृत्यु होती है या रमेश भी मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, वह चल बचा। तो कौन चला गया? रमेश भाई चले गए? अरे रमेश भी का पूरा शरीर तो वहीं पर पड़ा है, कुछ भी कम नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से मरता है तो शरीर में से कुछ भी कम नहीं होता है, शरीर के सभी अंग ऐसे ही रहते हैं। जो हम अपनी आंखों से देखते थे वो तो ऐसा का ऐसा शरीर पड़ा है, लेकिन एक ऐसी अदृश्य शक्ति उसमें से निकल जाती है और वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। वो कौन चली गई? वो थी रमेश बे की आत्मा, वो अंदर से निकल गई। वास्तव में जीवन का स्रोत आत्मा है, वो चली गई है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। जब आत्मा शरीर के संपर्क में आती है तब उसको जन्म कहा जाता है। निर्जीव और सजीव में अंतर कीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। यह एक सामान्य समझ है जो आत्मा को समझने का एक दृष्टिकोण है। अब एक प्रश्न होता है कि मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे? तो शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम सामान्य रूप से तीन जगह पर जाते हैं, तीन जगह। इस कलयुग में 99% लोग नरक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप कर्म करते हैं। नरक वालों को यमदूत लेने के लिए आते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग लोग जाते हैं। स्वर्ग लोग वालों को देवदूत लेने के लिए आते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं वे लोग मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में या गोलोक वृंदावन में जाते हैं, अर्थात सनातन धाम को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ वालों को विष्णुदूत लेने के लिए आते हैं। तो ये हुई मृत्यु के बाद हमारी तीन गति।